न अखिलेश, न शिवपाल, न काजल, न रागनी और न ही नवरत्न यादव। घोसी में सपा को जिताने में दो स्टार प्रचारकों की रही अहम भूमिका। शिवपाल ने जब उन दो स्टार प्रचारकों का तारुफ कराया, सब एक टक निगाहों से उन्हें देखते रह गए, भौचक होकर सुनते रह गए। सम्मान को चल रहे थे, ये तो विरोधियों की ओर से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन शिवपाल ने दावा कर दिया, ये तो हमारे स्टार प्रचारक हैं। घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सपा की जीत से सपाइयों के बीच जश्न का माहौल है। इस जीत का सेहरा सपा के कई नेताओं के सिर बांधा जा रहा है। इस बीच सबसे अधिक चर्चा में सपा मुखिया अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव हैं, क्योंकि शिवपाल यादव ने घोसी उपचुनाव के लिए जमकर प्रचार किया था और सपा कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का काम किया था। इस बीच लखनऊ में सपा की ओर से पोस्टर वॉर की शुरुआत हुई। शिवपाल यादव के समर्थकों में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर टाइगर अभी जिंदा है लिखे हुए होर्डिंग लगे। इसके साथ ही शिवपाल यादव के समर्थन में लगे होर्डिंग लिखा गया, भतीजे को हराने से पहले चाचा को हराना होगा और ये मुमकिन नहीं नामुमकिन है। अब सपाई तो ऐसा कह रहे हैं, लेकिन सपा महासचिव शिवपाल यादव तो किसी और को ही क्रेडिट दे रहे हैं, कह रहे हैं वो नहीं होते तो ऐसा होता नहीं। वो दोनों ही सपा के लिए स्टार प्रचारकों की भूमिका निभा रहे हैं। उन दोनों ने सपा को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा दी। उन दोनों का टास्क ही यही था, सपा और उसके नेताओं को बुरा भला कहें। उन्होंने ऐसा ही किया। वो हमारे स्टार प्रचारक हैं, तो ऐसे में आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, वो स्टार प्रचारक कौन हैं जिनकी बात शिवपाल कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को आखिर तक देखिए, पूरी बात समझ जाएंगे शिवपाल किन की ओर इशारा कर रहे हैं। दरअसल घोसी उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई। सपा ने बीजेपी को बड़े अंतर से हराया। सपा की इस बड़ी जीत का सेहरा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव के सिर बांधा जा रहा है। माना जा रहा है कि शिवपाल सिंह की रणनीति कामयाब हुई और सपा को बड़ी जीत मिली। घोसी उपचुनाव में मिली जीत पर शिवपाल यादव ने कहा कि पार्टी ने उन्हें घोसी में बड़ी जिम्मेदारी दी थी। यहां सुधाकर सिंह को लेकर उत्साह था। जब चुनाव शुरू हुआ तो वहां पर सत्ता पक्ष का दबाव था, ये प्रेशर प्रशासन और जनता दोनों पर ही था। ऐसे में उन्होंने सभी के साथ बैठक की, उन्होंने डीएम और एसएसपी से भी मुलाकात की। इस तरह से उन्होंने इस प्रेशर को कम करने का काम किया। इससे जनता का भी मनोबल बढ़ा और जनता ने खुले मन से सपा को वोट दिया। अब सवाल है, जब शिवपाल ने इतना कुछ किया तो शिवपाल जीत का क्रेडिट किसी और को क्यों दे रहे हैं? बहरहाल जिन दो स्टार प्रचारकों का नाम लिया है वो हैं सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद। शिवपाल सिंह यादव ने ओपी राजभर और संजय निषाद को सपा का स्टार प्रचारक भी बताया। शिवपाल ने इन दोनों का नाम क्यों लिया? शिवपाल राजनीति के एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं। नेताजी के साथ काम किया है जिसकी वजह से लोग उनसे आसानी से जुड़ जाते हैं। नेताजी से लोग खुद को कनेक्ट करते थे, ठीक उसी तरह शिवपाल से भी लोग कनेक्ट करते हैं। ऐसे में अगर शिवपाल ही कहते हैं ओपी राजभर और संजय निषाद सपा के स्टार प्रचारक हैं तो उसमें कुछ तो अर्थ होगा, कुछ तो तर्क होगा, कुछ यथार्थ होगा, कुछ तो वास्तविकता होगी। ऐसा शिवपाल का इशारा ओपी राजभर और संजय निषाद की ओर से की गई नकारात्मक राजनीति की ओर है, जिसके जरिए दोनों नेताओं ने मुलायम परिवार को कोसा, मुद्दे की बात को भूलकर ऐसे ऐसे बयान दिए जो सपा के पक्ष में गए। लोगों ने उनकी ओर से किए गए दावों को गंभीरता से लेना बंद कर दिया। शिवपाल सिंह यादव कह रहे हैं वो जानते हैं राजभर और संजय निषाद सपा के स्टार प्रचारक थे, सपा की जीत में उनकी भूमिका रही। इस दौरान शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि पार्टी आगे भी जैसा आदेश देगी हम वैसा करेंगे, हमारा चुनाव लड़ना या न लड़ना पूरी तरह से पार्टी के फैसले पर निर्भर करेगा।